जय हिंद नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम बात करेंगे। जो मैंने डॉक्यूमेंट की वीडियो डाली थी उस पर कुछ भाई लोगों के कमेंट आए हैं और बहुत सारे डाउट हैं, तो जितनी मेरे को जानकारी है उसके हिसाब से उन सभी के डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे मेन चीज़ है, जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा था नोटिफिकेशन का, पहले यह डाउट आ रहा है कि 10/7/2023 के आपके फॉर्म भरने की तिथि के पहले के सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कोशिश करनी है, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो सभी डॉक्यूमेंट 10/7/2023 के पहले के अपने को रखना है। इसके बाद भी अगर जैसे कोई डॉक्यूमेंट नया बन गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। पहले का नहीं, नया बनवाया है तो आपको वो नया लेके जाना है, और आपके पास पुराना है हर चीज़ वो पुरानी भी लेके जानी है। आप पहले सीधा डाउट पे चलते हैं कमेंट पे, और फिर एक एक करके सब आपके डाउट के लिए। जैसे डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट या ओरिजिनल है, आपको ओरिजिनल भी ले जाने हैं, डुप्लीकेट के सेट बना के भी ले जाने हैं, ठीक है। सर रोजगार पंजीयन 2024 का, रोजगार के एक साथ क्लियर डाउट कर दे रहा। देखो पिछली बार रोजगार में बाहर कर दिया या कुछ भी होगा तो बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा 50% कमेंट रोजगार पंजीयन के ही पड़े हुए हैं। देखो रोजगार पंजीयन का ऐसा कुछ नहीं, इस बार क्या है कि उनने सिर्फ फॉर्म में क्या बोला था, आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, और वो सभी डॉक्यूमेंट में के साथ भी लिखा था ऐसा 10/7/2023 को, उसमें रोजगार का नीचे था तो सबको लग रहा है कि हाँ 10/7/2023 के रोजगार का पहले नहीं, उनने बोला है रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए। आपके पास पहले था वो आप रख लो, जैसे ही आपने फॉर्म भरा बीच में वैकेंसी चली, बीच में आपका एक्सपायर होगा, फॉर्म भरने का पहले भी था आपने नया बना लिया है तो उसको भी रख लो, ठीक है। और किसी ने फॉर्म भरने से पहले नहीं बनाया था रोजगार पंजीयन, अभी फॉर्म भरने के बाद बना लिया, उसी डेट में बना लिया, तो वो आप नया ले जाओ। उनको सिर्फ जीवित रोजगार पंजीयन चाहिए, और इस बार ऐसा होगा रोजगार पंजीयन में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में कभी भी, जैसे एम पुलिस की भर्ती होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशान नहीं करते, और किसी को भी डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं करते। फिजिकल में नॉर्मल आपने जो फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट लगा वो दिखा दो, और फाइनल में जितने डॉक्यूमेंट मांगेंगे एक्स्ट्रा जो भी आपको लगाना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट, वो सब डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो आपका क्लियर हो जाता है। वो कुछ चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, भर्ती दी है देखा है कि डॉक्यूमेंट में क्या किसी भी चीज़ में आपको बाहर नहीं करने की कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा। लड़का इतनी मेहनत करके आया तो उसको लेना ही लेना है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितने चांस हो सकते हैं आपको अंदर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है अदर वैकेंसी GDR में ऐसा कि थोड़ी भी मिस्टेक है। अब उसमें आते जाएंगे, जैसे डाउट में आपका नाम, रोजगार पंजीयन का फंडा यही है, क्लियर है, पहले ही बता दिया ऐसे ही, और डॉक्यूमेंट का मूल निवासी निवास पुराना है नया बनवा दिया, जो बनवाया बेझिझक होकर लेके जाएं। एफिडेविट का लगता है तो आप फिर साथ में एफिडेविट ले जाएंगे, वो किस चीज़ों में चलेगा, जैसे नाम करेक्ट में, ठीक है रोजगार पंजीयन होगा। अब रोजगार पंजीयन कमेंट नहीं बैठ, जैसे किसी के नाम में मिस्टेक है, पिताजी के नाम, खुद का नाम, सरनेम लगाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिर्फ आप लोग लेके जाएं जो आपने फॉर्म में लगाया, बोल बस लेके जाएं, लगता है तो फिर एफिडेविट बनवा लेंगे अपन, उसमें लगा दें, मिस्टेक हो जाता है किसी के फॉर्म भरते टाइम, रोजगार जैसे रोजगार कह रहा हूँ कि जैसे रोल नंबर गलत डल गया, थोड़ा सा नाम मिस्टेक कर दिया, कोई चीज़ आपके पास नहीं है वो वाला एस कर दिया, नो कर दिया, जैसे NCC नहीं है, कुछ नहीं है, एस कर दिया, वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। मेरा मतलब है कि आप बेफिक्र होकर फिजिकल देने जाएं, अभी आपका काम है मात्र फिजिकल देना, ठीक है। फिजिकल में क्या है कि आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलेंगी कि यार मेरा अभी ये डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ, और फिर क्या होगा बाहर कर देंगे, तो उससे आप फिजिकल जो अपना 100% एफर्ट है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मूल्य निवास 18 का था, फिर 23 का बना लिया, अभी वो जितने भी पुराना नया दोनों डॉक्यूमेंट हर चीज़ ले जानी है, ठीक है सर। लास्ट डेट वो ही एक ही एक है कि लास्ट डेट के पहले का था रोजगार पंजीयन, और मैंने जो आपके कमेंट थे उसको सबको समराइज़ करके एक साथ आंसर देने की कोशिश करी, आपको किस तरह से जाना है, और इस बार क्या कैसा क्या होता है वो भी आपको एक दो दिन पता चल जाए जिनको बाद में, लेकिन स्टार्टिंग दिन में जिनका भी है स्टार्टिंग वाले दिन में, तो उनको क्या है कि थोड़ी सी पहले दिन जानकारी कम रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन जैसा बताया वैसे सभी डॉक्यूमेंट और अपने सेट बना के ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अपने द्वारा जितनी जानकारी वो आपको दी गई है, इससे ज़्यादा और यह जानकारी पूर्णता सत्य भी है, तो ऐसे अपन हमारा या हमारी चैनल की कोई गारंटी नहीं है, ये भी अपन क्लियर बोल रहा है, लेकिन जितनी जानकारी जो हमारे साथ थे या हमारे टाइम पे डॉक्यूमेंट जैसा हुआ है या जो अभी तक चलता आ रहा है उसके आधार पे हमने आपको जानकारी दी है। फिर भी अभी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपन बेफिक्र होके फुल कॉन्फिडेंस से अपने को बस फिजिकल देना, मैं इतना चाहता हूँ, और कोई खास कमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट में आपको टेंशन नहीं, एक ही टेंशन खा रही, नाम गलत, रोजगार पंजीयन पुरानी डेट बनवा के ले जाएं, सिंपल सी बात, नया अभी का बनवा के ले जाएं, नाम में मिस्टेक है एफिडेविट रख ले साथ में, और अपने सुरक्षा के लिए और ज़्यादा दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं होती, जरा से तो डॉक्यूमेंट लगते हैं 10-12 मूल वासी स्थायी रोजगार जाति आधार एक आय
बस इतने से डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट लगते हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एक शेड बना के ले जाना है और ओरिजिनल भी अपने साथ रख के ले जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप बेफिक्र होकर फिजिकल दें। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, टेलीग्राम पे जुड़ लें, मैं कम एक्टिव रहता हूँ लेकिन मेरे साथ वाले आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर आपको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, जय हिंद।